हाय फ्रेंड, मेरा नाम है इकराम और मैं आज आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्यूआर कोड जनरेटर। अब इस क्यूआर कोड जनरेटर का वैल्यू तो आप सभी जानते ही हो कि फ़ोन पे हो या पेटीएम हो या फिर गूगल पे, किसी भी स्टोर पर, जनरल स्टोर हो या फिर कोई शॉप हो, उस पर वहाँ पर आपको ये सारे क्यूआर कोड रखे होते हैं। वहाँ पर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते ही अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इजीली ट्रांसफ़र कर लेते हो। और तो इसी इसी सबसे मैंने सोचा कि मैं भी अपने ईमेल आईडी को या फिर फ़ोन को अगर किसी के पास भेजना हो नंबर, ये तो उसे क्यूआर कोड क्यों ना दिया जाए। क्यूआर कोड देने से एक फ़ायदा है कि जो स्कैन कराएगा वही इसे देख पाएगा, अदरवाइज़ कोई भी पर्सन नहीं देख पाएगा। जैसे कि मुझे कोई वेबसाइट वेबसाइट को क्यूआर कोड में बदल के देना है कि जैसे स्कैन कराए तो वो वेबसाइट पे चला जाए, वेबसाइट पर, या फ़ोन फ़ोन नंबर दें, फ़ोन नंबर से वो पैसे ट्रांजेक्शन कर सके, वो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सके। तो आइए चलिए हम दिखाते हैं अपने एंट्री बॉक्स में। मैं लिखता हूँ अपना ईमेल आईडी। तो ये मैंने एक ईमेल आईडी लिख दी जो कि शायद थोड़ा सा मिस्टेक है सर, मेरे 9816 9816 है, गड़बड़ लिख गया। ओके, तो मैंने अपने ईमेल आईडी को सही कर लिया है और जैसे ही मैं जैसे क्लिक करूँगा तो क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया, मैं इसे फोटो क्लिक करके या प्रिंट करके निकाल के मैं किसी को भी दे दूँ तो वो स्कैन कराएगा और वो देख लेगा मेरे ईमेल आईडी को और कोई भी चीज़ मेल कर सकता है। चलिए हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक रीसेट बटन पे, रीसेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा रीसेट हो जाएगा। और अगर मैंने विदाउट कोई कंटेंट लिखे और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग कि क्या होता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आता है एक मैसेज बॉक्स जिसमें लिख के आ रहा है इंटर योर वेबसाइट और मोबाइल नंबर फॉर, यानी कि पहले आपको कोई वेबसाइट या फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी यानी थिंग कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा, उसके बाद ही क्यूआर कोड जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया और मैं चाहूँगा इसे रिसेट करना, रिसेट क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को बैकएंड में जाकर दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इसे डिज़ाइन किया और किस तरह फंक्शन इसके वर्क करता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं आ गया अपने कोड में। अब सोर्स कोड को थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी डीपली मैं एक एक क्लाइंट को अपने प्लेलिस्ट में जब स्टार्ट करूँगा, शायद से मैं 30 या 1 अप्रैल से अपने प्लेलिस्ट को ले आऊँगा यूट्यूब पर। ओके, तो चलते हैं। मैंने देखा, देखिए इम्पोर्ट कराया क्यूआर कोड को। अब एक्चुअली ये एक लाइब्रेरी है और इसे इम्पोर्ट नहीं कराएंगे तो वो हमारा ये जो फंक्शन है ये सब भी कुछ काम नहीं करेगा। लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना ज़रूरी होता है तो हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड और जैसे इंटर करेंगे तो इंस्टॉल होने लगेगा। उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आज तो मैं नहीं बताने वाला हूँ कि मैंने बता दिया एक्चुअली कि इंस्टॉल कैसे किया जाता है, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से मैं आप लोगों को अभी इस नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का। भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का ही उसमें नॉलेज आपको दूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं। बता देता हूँ कि इम्पोर्ट कैसे मैंने यहाँ पर tkinter इम्पोर्ट कराया, फिर मैसेज बॉक्स, ये मैसेज बॉक्स भी एक लाइब्रेरी है बट ये लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी होता है इसलिए इसे भी इम्पोर्ट कराना पड़ता है। और यहाँ पर रूट इक्वल tk, जैसा कि पहले मैं बताया कि नई विंडो को बनाने के लिए हम रूट इक्वल tk का यूज़ करते हैं और यहाँ पर रूट डॉट टाइटल टाइटल का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ फिर से।
ये आ गया हमारा, और यहाँ देखिए क्यू आर कोड जनरेटर, ये देखिए टाइटल यहाँ आ गया क्यू आर कोड जनरेटर। मैंने यहाँ पर कॉन्फिग बीजी, बीजी का मतलब बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैंने पाउडर ब्लू दिया है तो ये कलर आ गया। फिर मैंने इसकी साइज दी, ज्योमेट्री लिखेंगे GOMETRY ज्योमेट्री, तो रूट डॉट ज्योमेट्री, इससे हमारा जो है साइज फिक्स हो जाता है 514x550। मैंने इसका साइज दे रखा है जिसमें वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। और ये रूट डॉट रिसाइजेबल का क्या मतलब है, रूट डॉट रिसाइजेबल इसलिए लगाते हैं कि हम इस साइज को फिक्स कर दें, हम नहीं चाहते कि कोई भी इस साइज को बड़ा छोटा करे, जिस साइज में है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रिसाइजेबल कर दिया है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई भी साइज बड़ा छोटा नहीं होगा, यहाँ से भी मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम डिज़ाइन किस तरह की है। यहाँ पर ऐप नेम नाम एक वेरिएबल लिया है जिसमें लेबल लगाया है क्यू आर कोड जनरेटर, देखिए यहाँ पर लिखा है क्यू आर कोड जनरेटर, ये एक लेबल है। दूसरा लेबल मैंने लगाया है यहाँ पर इंटर वेबसाइट मोबाइल नंबर, यहाँ पर है इंटर वेबसाइट मोबाइल नंबर, एंड यानी कि अगर इन कोई भी एंट्री बॉक्स में इन या तो वेबसाइट या मोबाइल नंबर एनीथिंग कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। लिखने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज मतलब एक लेबल लगा दिया है, एंड एक एंट्री बॉक्स का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, इस एंट्री बॉक्स को मैंने प्लेस किया है, विदाउट विदाउट प्लेस किए हम उसे नहीं शो करेंगे, जैसे प्लेस अगर नहीं करते हैं तो एंट्री बॉक्स दिखाई नहीं देगा हमारा, तो हम डॉट प्लेस करते हैं। अगर हम इसे पैक भी कर सकते हैं, ग्रीड भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ग्रीड लिखते प्लेस की जगह पर तो हमें रो कॉलम में डिज़ाइन करना हो पड़ता, और यहाँ पर पैड सॉरी पैक करते तो यहाँ पर पैड एक्स पैड वाई से हमें डिज़ाइन करना होता, और यहाँ पर मैंने प्लेस किया है इसलिए मैं एक्स और वाई, एक्स इक्वल वैल्यू दे दी और वाई इक्वल वैल्यू दे दी। यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया है जिस गेट की गेट और कोड का, जैसे गेट और कोड पर क्लिक कीजिएगा और क्यू आर कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कमांड कमांड दिया है क्यू आर कोड, क्यू आर कोड मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसको वो कॉल कराता है और क्यू आर कोड को जनरेट करता है। यहाँ पर दूसरा बटन रीसेट नाम का बटन दिया है, जिसमें कमांड भी रीसेट नाम के फंक्शन से चलाया है जिसको कॉल करता है और सारी चीज़ों को डिलीट करता है। यहाँ पर एक और लेबल मैंने लगाया है, ठीक है उस हाँ दो लेबल, यहाँ भी एक लेबल लगाया है ऐप डेवलप बाय इकराम आई के फ्री माइंड, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई के फ्री माइंड। और मैं आइए मैं अपने फंक्शन की हाँ रूट और मेन लूप के बारे में पहले ही बता चुके हैं, विंडो को क्रिए शो कराने के लिए विंडो क्रिएट तो हो जाता है बट शो नहीं होता, शो करने के लिए रूट डॉट मेन लूप का यूज़ करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने फंक्शन की तरफ, डिफ डिफ रेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है जिस फंक्शन को रीसेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इसको कॉल करेगा और सारी चीज़ों को डिलीट कर देगा डेटा। देखिए लिखा है वेब एंट्री, एंट्री के अंदर एंट्री बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो कंटेंट डिलीट कर देगा 0 to end, वेब एंट्री डॉट कॉन्फिग बैकग्राउंड उसका कलर वाइट कर देगा, और यहाँ पर जो मैसेज मैसेज एक शो कर देगा, और उसकी विदित हाइट इतनी है, मैंने विदित हाइट इतनी दे रखी है। फिर यहाँ पर डिफ क्यू आर कोड नाम से एक फंक्शन बनाया है, जैसे ही गेट और कोड पर जो बटन है हमारा उस पर क्लिक करते ही, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैंने बताया था गेट और कोड पर क्लिक करते ही हमारा कमांड क्यू आर कोड का फंक्शन को कॉल करेगा, ये हमारा, और इसको कॉल करते ही वो क्यू आर कोड में जनरेट कर देगा। वेबसाइट डॉट कॉम या फिर कुछ भी एनीथिंग मतलब कोई भी डेटा आप डालिएगा और उसको क्यू आर कोड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हाँ यहाँ पर एक इफ फंक्शन सॉरी इफ नाम का एक इन इफ हाँ मैंने इसको क्यों हाँ एक्चुअली इसलिए मैंने इसे लिया है, अगर इफ अगर अगर हमारा हाँ मैंने एक चीज़ दिखाया था एक सेकंड पहले, फिर से मैं दिखा देता हूँ, यस अगर कोई यूज़र
गेट और कोड पर वाले बटन पर ऐसे ही क्लिक करता है तो हमें मैसेज बॉक्स आ जाए, इसलिए एक इफ का यूज मैंने किया और यहाँ पर मैसेज बॉक्स क्रिएट किया और उसमें इंटर योर वेबसाइट और मोबाइल और नंबर फर्स्ट लिखना, ये चीज उसके लिए। और अगर अदरवाइज अगर ये क्रिएट नहीं हो पाता तो एल्स में आकर QR कोड जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि अगर सही होता है हमारा कोड, मतलब कुछ कंटेंट लिखा और फिर गेट और कोड पर क्लिक करेंगे तो अगर QR कोड जनरेट हो जाता है तो मैसेज नीचे ये आएगा QR कोड जनरेट सक्सेसफुली, बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।